यदि किसी भाई को मौका मिलता है किसी की मदद करने का, तो कोई दुश्मन भी है तो उसकी भी मदद करना, वो भी आपको आशीर्वाद देगा। आज हर व्यक्ति किसान वर्ग की बात करता है, कोई भी चुनाव लड़ने से पहले तुरंत प्रभाव से, चाहे खेती बाड़ी से कोई लेना देना ही नहीं हो, पहले तो किसान परिवार का बनता है, किसानों का सेवक बनता है और राजनीति में आ जाते हैं। यह आप लोगों को तय करना होगा कि कौन किसान वर्ग की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है, कौन गांव डाड़ियों से मजदूर परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, उन लोगों को आपको चुनना है। हर एक व्यक्ति गांव में पैदा होकर शहरों में आते हैं और वो वहां के लोगों को भूल जाते हैं। जिस परिस्थिति में आज से 10 साल पहले आप थे, आप जब मजबूर थे, मजदूर थे, कमजोर थे, तब कोई आपकी मदद करता था तो आपको कितनी शक्ति मिलती थी, कितना अच्छा लगता था। यदि आज आप मजबूत हुए हो तो आपको भी अपने किसी कमजोर साथी की मदद करनी चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए, तब इस देश और प्रदेश का विकास होगा, इसका भविष्य उज्जवल होगा। मैं तो जहां जाता हूं हर जगह कहता हूं कि आज ज्यादातर बड़े ओहदों पे, बड़ी नौकरियों पे, बड़े उद्योग धंधों के अंदर ये गांव डाणियों वाले लोग अच्छी मेहनत करके और अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जो आगे बढ़ जाते हैं उन लोगों को भी याद रखना चाहिए, मेरे पूर्वज किस स्थिति में जीते थे। अपन लोगों को भी उन लोगों को याद करके कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए, किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। ये नहीं हो कि आज अपन मजबूत स्थिति के अंदर आ गए तो किसी के साथ अन्याय करेंगे, अपने छोटे से फायदे के लिए किसी का शोषण करेंगे, नहीं, ये अपने को नहीं करना है। नहीं तो समय का पता नहीं है कब परिवर्तन ला देता है, कब परिवर्तन हो जाता है, कब आप 100 से 0 पे आ जाते हो। जिस प्रकार से 0 से 100 पे जाते हो, यदि आप अन्याय का रास्ता चुनोगे तो 100 से 0 पे भी भगवान आपको पहुंचा देगा।